hello champions hope all of you are safe how are you people so in this small video actually and first of all i would like to welcome everyone to india's best and biggest online education platform the one and only an academy and in this very small video i'm going to talk about a very interesting problem of surveying that how to find out correct distance from an old map to our problem map is बहुत पहले ये बनाया गया है फॉर एग्जाम्पल कुछ एटीन फिफ्टीज में ये मैप बनाया गया है और ये अभी का मैप है 2022 में तो ऑबियस बा, मैप बात है क्या होगा मैप में वेरी ऑफन इट्स फाउंड दैट इट्स बीइंग श्रंक मतलब क्या हो गया मैप में डिफरेंट डिफरेंट आपके यू नो टेम्परेचर प्रेशर वेदरिंग ये सब के वजह से मैप जो है काफी ज्यादा श्रिंक हो गया छोटा हो गया मैप डायमेंशन श्रिंक हो गया तो यही दिक्कत करता है एक्चुअली चलिए देखते हैं कैसे दिक्कत करता है आप लोग देखे होंगे मैप के एकदम नीचे इस तरीके का एक रेफरेंस लाइन दिया होता है तो इस रेफरेंस लाइन में लिखा होता है टेन सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक किलोमीटर मतलब क्या है मान लो ऐसे लिखा हुआ है जरूरी नहीं है कि हमेशा यही लिखा होगा इट डिपेंड्स अपॉन स्केल ऑफ द मैप अब मान लो ये जो लेंथ है ये जो रेफरेंस लाइन का लेंथ है ये लेंथ है टेन सेंटीमीटर मतलब इतना लेंथ 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 आपके आपके फिगर फिगर में में इतना किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा इन द ग्राउंड फिगर में दोनों पॉइंट के बीच में अगर आपका डिस्टेंस इतना होता है तो वो ग्राउंड में उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एक किलोमीटर बताता है क्लियर है अच्छा आप मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए ये एक पॉइंट है बी ठीक है ये है कब की बात चल रही है गाइस 1850 में जब ये मैप बनाया गया है। अब आते हैं 2022 में ये मैप तुम्हारे हाथ लगा मैप में तो अभी भी लिखा हुआ है वही चीज जो पहले लिखा हुआ था गाइस कि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक किलोमीटर और वैसे ही दो पॉइंट यहां पे दिख रहा है ए और बी अच्छा लेकिन दिक्कत ये हुई गाइस कि आप इस लाइन का लेंथ नाप के देखे अभी कि दिस लेंथ इज नॉट टेन सेंटीमीटर एनी मोर यह जो लेंथ है ये श्रिंक होके 9.8 सेंटीमीटर बन चुका है एक्चुअल जो लेंथ है पहले ये एक्चुअल लेंथ, लेंथ लाइन का 10 सेंटीमीटर था क्योंकि अब तो क्या हो गया मैप श्रिंक हो गया अब जो लिखा हुआ था वो तो रहेगा ना 1850 में लिखा हुआ था 10 सेंटीमीटर बाई इज इक्वल टू एक किलोमीटर वो 2022 में चेंज तो नहीं हो जाएगा जो लिखा हुआ था वो तो है लेकिन 10 सेंटीमीटर के जगह उस लाइन का एक्चुअल लेंथ 9.8 सेंटीमीटर हो गया ठीक है और मान लो ये जो दोनों पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग नापे कब 2022 में अभी नाप के देखे कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर 12.6 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल 12.6 सेंटीमीटर इट इज फाउंड आपको बोला गया ये ओल्ड मैप से जो 2022 में पाया गया बहुत पुराना ये मैप इससे ए और बी के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस निकालो एक्चुअल डिस्टेंस तो यही है हमारा प्रॉब्लम इसी को इन डिफरेंट बुक्स में आपको शेप क्या क्या स्केल फैक्टर यू नो श्रिंकेज फैक्टर बहुत सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स एक्सप्रेस किया जाता है लेट्स सॉल्व इट वेरी सिंपली देखो पहले दस सेंटीमीटर वस एक किलोमीटर दस सेंटीमीटर ऑन दी मैप किलोमीटर ऑन दी पाउ अब वो रेफरेंस लाइन जो है वो चेंज हो गया क्योंकि मैप जो है वो श्रिंक कर चुका है तो देखो ग्राउंड में अगर कोई दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एक किलोमीटर था वो तो अब भी एक किलोमीटर ही रहेगा ग्राउंड ग्राउंड थोड़ी ना श्रिंक हो गया इस ग्राउंड में अगर पहले दोनों पॉइंट का डिफरेंस डिस्टेंस एक किलोमीटर था तो अब भी वो दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस एक किलोमीटर ही है मान लो कोई भी दोनों पॉइंट मान लो आप ठीक है मान लो कोई भी ऐसे दोनों पॉइंट है डी दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको फिगर में दिख रहा था दस सेंटीमीटर ठीक है तो अब वो फिगर में कितना होगा श्रिंक होके नाइन पॉइंट एट सेंटीमीटर लेकिन एक्चुअल में ये दोनों पॉइंट जहां पे ग्राउंड में है सी और डी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले था एक किलोमीटर क्योंकि 10 सेंटीमीटर एक किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी भी ग्राउंड में तो उन दोनों पॉइंट का डिफरेंस एक किलोमीटर ही है ना अंडरस्टैंडिंग तो क्या मैं लिख सकता हूं कि करेंटली uh, मतलब आपका जो 2022 वाला केस है इसमें 9.8 सेंटीमीटर ऑन मैप इज रिप्रेजेंटिंग वन किलोमीटर ऑन ग्राउंड अग्री करते हो

आ गया समझ में ट्स 9.8 ये अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो यू नो यू विल गेट 9 बाई सेवन किलोमीटर विच ट्रांसलेट टू वन पॉइंट टू एट सिक्स आई 1.286 से किलोमीटर सो यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट सो इन दिस फैशन यू कैन कैलकुलेट यूजिंग सिंपल यूनिटरी मेथड इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आई होप यू हैव एंजॉय दिस वेरी स्मॉल वीडियो अगर एंजॉय किए तो जल्दी से जल्दी एक बार लाइक कर देना और वीडियो कर देना शेयर एंड डोंट फोरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोज थैंक यू फॉर बीइंग टेक केयर